अस्सलाम वालेकुम। ये एक और क्वेश्चन है जो कि बायनॉमियल थ्योरम से रिलेटेड है। इसमें भी हमने बायनॉमियल थ्योरम की एप्लीकेशन करनी है और इस क्वेश्चन में से हमने प्रूफ करना है कि इफ़ वाई इज़ इक्वल टू दिस वन, सो प्रूव दैट वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। सो वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन and to prove that y square plus 2y minus 7 that is equal to 0. So how can we do that? We will apply the same method as we are doing the questions. Jo pehle questions hum kar chuke hain pichle wale videos ke andar, to bilkul same method hai, koi difference nahi hai. Hum thoda sa uske andar addition kar lete hain. Wo ye kar lete hain ke ye hamare paas aa raha hai y is equal to 3 upon 4 plus 3 5 और ये 4 8 प्लस 3 5 7 ये 4 8 12 प्लस 8 1 टू बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 3 5 4 8 प्लस 3 5 7 4 8 12 प्लस ओके। अब हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं और 1 प्लस वाई लेकर आते हैं, ठीक है। इसकी 1 प्लस वाई की वैल्यू लेकर आते हैं तो हमारे पास लेट 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 3 5 4 8 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ओके ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एन 1 एक्स हो जाएगा प्लस एन 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 3 5 और ये 4 8 प्लस इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 3 5 और ये 4 8 3 5 एंड 4 8 प्लस ओके। अब हम क्या करते हैं कि कंपेयर सेकेंड एंड थर्ड टर्म तो सेकेंड और थर्ड टर्म हमारे पास एक तो आपके पास आ रहा है एन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 आ रहा है तो एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 एन ये एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली एन एन टू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 वन 2 और एक्स स्क्वायर चले एक्स स्क्वायर भी लगाइएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 5 और 4 8 4 एन 8। अब जब इसको सॉल्व करेंगे इसको बेहतर है कि हम नीचे लिख दें इसको तो ज़्यादा अच्छा है। ये एन इन टू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 5 और 4 8, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो अब पुट द वैल्यू ऑफ एक्स है तो एन एन टू एन माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 3 अपॉन 4 एन आ रही है तो 3 अपॉन 4 एन का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 3, 5 और ये 4, 8, ठीक है। इस तरह से हमारे पास n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, 1 जे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये n स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 5, 4 एंड 8 आ रहा है, ठीक है। ओके, ये n और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 16 2 जो 32 और 8 4 जो 32, तो हम इसको इधर ही कैंसिल कर देते हैं। 16 2 जो 32 और 8 4 जो 32 कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 जो 3, 3 3 जो 9, इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 n 2 n-1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, 3 n-3 इज इक्वल टू 5, 3 अच्छा ये 5 ओके। एक चीज और, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन n भी आ रहा है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये 3 n-3 इज इक्वल टू 5 n हो जाएगा। इस 3 n और 5 n को इधर लेकर आइए तो माइनस 5 n इज इक्वल टू 3 उधर चला जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ये माइनस 2 n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। n की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 3 अपॉन 2। अब हम क्या करते हैं कि फॉर पुट द वैल्यू ऑफ n फॉर x, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ n फॉर x। x इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 एंड n की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2, माइनस 3 अपॉन 2, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, सो x इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और उसकी वैल्यू भी आ गई है, n की वैल्यू भी आ चुकी है। अब ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पे इसके अंदर डाल दूँ, 1 प्लस एक्स की पावर n जो कि 1 प्लस वाई के बराबर है, ठीक है। तो इसके अंदर ही वैल्यू मैं डाल देता हूँ, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 होल की पावर हमारे पास क्या आ रहा है, n की जो वैल्यू हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, माइनस 3 अपॉन 2 के बराबर है, ये है माइनस 3 अपॉन 2, माइनस 3 अपॉन 2 के बराबर, ये किस चीज़ के बराबर है, 1 प्लस वाई के बराबर है, हमारे पास क्या है 1 प्लस वाई के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से 1 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, ओके। हम इसका इस तरह से कर सकते हैं कि ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 3 अपॉन 2, माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई हो जाएगा, और 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। ये 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 आ रहा है हमारे पास, ये अंडर रूट आ जाएगा, 1 अपॉन 2 की वैल्यू अंडर रूट आ रही है इसकी वैल्यू, बल्कि हम एक कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई की पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, और ये फार्मूला खोलिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab इज 2y हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर कंटिन्यू करता हूँ, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 2y, y² + 2y + 1 इज इक्वल टू 8, y² + 2y + 1 - 8 इज इक्वल टू 0। 8 को मैंने शिफ्ट किया राइट साइड, लेफ्ट साइड पे,
तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यही मुझे प्रूफ करना था और हमने उसको प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।